रविंद्रपुरी जी, अभी तक SIT की जो जांच हुई है, आप निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव हैं और आपका बहुत महत्व है, लगातार जो आपकी कही हुई बात है अखाड़ा परिषद की। देखिए, जो कानूनी जो वसीयत मिली है, वकील साहब का कहना है कि जो पंच परमेश्वर हैं, अखाड़ा परिषद के कहने से कुछ नहीं होगा, कानून और वसीयत में उत्तराधिकार बलबीर गिरी है वही होंगे। हमने न वसीयत की बात की है, किसी भी अखाड़े ने, किसी संत समाज ने, अखाड़ा परिषद ने वसीयत की बात की है, न किसी के अधिकार की बात की है। हमारा ये विषय था कि पहले इनका धूल रोट हो जाएगा, उसके बाद जो है अगली चर्चा होगी। और हमने कभी भी किसी भी संत ने, किसी भी महंत ने नकारा नहीं है, जो भी सामने आ रहा है वही किया जाएगा, परंतु उसकी कुछ परंपरा होती है, अखाड़ों के कुछ अपने नियम होते हैं, वो होगा उसमें। आपको वसीयत पे, संत समाज को वसीयत पे, अखाड़ा परिषद को वसीयत पे शक है? हमें किसी पे कोई शक नहीं है, वसीयत कब हुई है कब नहीं हुई है, जो हमें जो है किसी पे कोई शक नहीं है, वसीयत पे कोई शक नहीं है, जो भी वसीयत सामने आती है, जो भी उन्होंने लिखा हुआ वही माना जाएगा। जो CBI जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोगों का मानना है, शायद आपके TV चैनलों में भी कहीं जगह आया, फेसबुक कुन में लोग डाला कि भाई जो अगर इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया, जांच में बाधा पड़ेगी, तो हम भी जो है हम बात करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, अगर उससे पहले हो सकता है पहले ही होगा, छोटसी पे होगा, अगर कोई बाधा पड़ती है, कोई हमें मना करता है, फिर बाद में देखा जाए। छोटसी के दिन 16वें के दिन आप लोग तय कर लेंगे कि आखिर उत्तराधिकारी कौन है? देखिए, उत्तराधिकारी थे तो जो भी होना है वो तो है ही, अब हमें जो है कि कोई जांच में बाधा न पड़े। देखिए, एक बड़ी बात आपने कहा और उसको मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कहा कि उत्तराधिकारी तो जो है वो है ही, कभी किसी को नहीं, आपने कहा बाधा नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि जो उत्तराधिकारी है वो तो है ही, यही तो कानूनविद भी कह रहे हैं, यही कानूनविद भी कह रहे हैं जो वसीयत को लिखने वाले वकील। बात मैं आपको बताऊं, एक बात सुनिए, आप जो है जब भी कोई आप ऐसे इशू होते हैं, उस इशू में आपको जो अपने समाज की दृष्टि से आप मत देखिए, हमारी संत परंपरा अलग है, आपसे भिन्न है, जो भी मठ है, मंदिर है, जमीन है, जागीर, ये हमारी निजी नहीं है, ये सार्वजनिक है। मैं मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास जो भी वहाँ चढ़ावा आता है, मैंने कोरोना काल में करोड़ों रुपया मैंने गवर्नमेंट को दिया, और करोड़ों रुपये का मैंने मेरा वहाँ भंडारे चले, सब चला, जहाँ भी सहायता हम, क्योंकि ये जो सार्वजनिक संस्थाएँ हैं हमारी निजी नहीं है, ये जनता की है, सबकी है, इसमें हर जो व्यक्ति है उसका इसमें पैसा आता है, तो हमें जो भी कार्य होगा, जब इससे पूर्व में हमने इनके जो गुरुजी थे महंत, जिनका आपने जो ये आप दिखा रहे हैं हत्या, जो आत्महत्या हुई तो भी हुई है, हाँ, उनके लिए जैसे उनको हमने बनाया है, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज थी वो देखा जाएगा, सब देखा, सब कार्य। 300 साल पुरानी संस्था है ये, उत्तराधिकारी को बताऊं।